हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक स्टडी आइडिया। तो जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि आज आपकी डेट शीट आ जाएगी, तो ये आपकी डेट शीट आ चुकी है और ये यहाँ पर आप बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर और बीए थर्ड ईयर की डेट शीट देख सकते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद बात करेंगे बीकॉम की, तो आप बीकॉम का भी देख सकते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आपको इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद बीएससी के एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो देखो, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम आपके होने हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपके बीए, बीएससी के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का सेम पेपर एक ही दिन होगा, तो हम उनको यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से पेपर हैं। टाइम आप देख सकते हैं 7 से 10 फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का टाइम यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है, 11 से 1, ये 2 ही घंटे का हो रहा है, ठीक है। और थर्ड ईयर का 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। तो आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 16 तारीख को आपका फर्स्ट पेपर होगा जूलॉजी का, फर्स्ट ईयर का भी, सेकंड ईयर का भी और थर्ड ईयर का भी, एक दिन सेम ही पेपर होगा तीनों ईयर के। और 17 तारीख को आपका मैथ्स का फर्स्ट पेपर होगा और बॉटनी का भी फर्स्ट पेपर होगा। इसके बाद आपका 18 को जूलॉजी का सेकंड पेपर होगा, ठीक है। फिर 20 को मैथ्स का सेकंड पेपर होगा और 21 को जूलॉजी का थर्ड पेपर होगा। इसके बाद 22 को मैथ्स का थर्ड पेपर और बॉटनी का थर्ड पेपर होगा, ठीक है। 20 को बॉटनी का सेकंड पेपर भी है, ठीक है। इसके बाद 23 को केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर होगा तीनों ईयर का और 24 को फिजिक्स का फर्स्ट पेपर होगा, ठीक है। 25 को केमिस्ट्री का सेकंड पेपर होगा और 26 को आपका जो इन्वायरमेंटल साइंस है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का वो होगा। 27 को फिजिक्स का आपका सेकंड पेपर होगा और 28 को केमिस्ट्री का थर्ड पेपर होगा, ठीक है। फिर 29 को फिजिक्स का थर्ड पेपर होगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, आप इसका जो पूरा पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बीएससी का एक बार जेडबीसी का टाइम टेबल हम फिर से देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने चैनल पर अपलोड करे हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 तारीख को आपका जूलॉजी का पेपर है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। उसके बाद आपका जूलॉजी का ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है। इसके बाद 18 को, उसके बाद 17 को आपका बॉटनी का फर्स्ट पेपर है, उसके बाद 18 को आपका जूलॉजी का सेकंड पेपर है, उसके बाद 20 को आपका बॉटनी का सेकंड पेपर है, उसके बाद 21 को जूलॉजी का थर्ड पेपर है, ठीक है, लगातार पेपर हो रहे हैं। उसके बाद 22 को बॉटनी का थर्ड पेपर है, उसके बाद 23 को केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है, उसके बाद 25 को केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पेपर जो केमिस्ट्री का है वो आपका 28 को है। तो 28 को आपके एग्ज़ाम एंड हो जाएंगे और मैथ्स का भी आप देख सकते हो। आप इस पूरे टाइम टेबल को गिवन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट को इन्वायरमेंट साइंस में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।